गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर शायद पहली बार सेना की ओर से एक कपल परेड में हिस्सा ले रहा है। मद्रास रेजिमेंट के मार्चिंग दस्ते को लीड कर रहे हैं मेजर जेरी ब्लेज और वेटरन की झांकी पर होगी कैप्टन सुप्रीता जो कि आर्मी एयर डिफेंस से है। दोनों की शादी एक साल पहले हुई। मेजर ब्लेज तमिलनाडु के वेलिंगटन और कैप्टन सुप्रीता मैसूर की रहने वाली हैं। कैसे हैं दोनों की रिपब्लिक डे की कैसी तैयारियां चल रही हैं, कैसे शादी हुई और कैसे गृहस्थी चल रही है, उनसे इसी बारे में बातचीत की हमारे संवाददाता राजीव रंजन ने। दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर शायद पहली बार होगा कि एक कपल जो है परेड में हिस्सा लेगा सेना की ओर से। मैं मेजर जेरी ब्लेज हूँ और मैं मद्रास रेजिमेंट को लीड कर रहा हूँ और ये मेरे आप मैं कैप्टन सुप्रीता हूँ, मैं आर्मी एयर डिफेंस से हूँ और मैं इस बार कर्तव्य पथ के परेड का हिस्सा ले रही हूँ। तो कैसे आप लोग का सिलेक्शन हुआ इसमें, दोनों के एक साथ हुआ क्या, अलग अलग हुआ? जैसा हमारा सिलेक्शन हमारे ट्रेनिंग सेंटर में होता है तो उधर से ऑफिसर सेलेक्ट होके जवान और सरदार साहिबान सेलेक्ट होके फिर उसके बाद हम एक टीम बन के इधर आते हैं। और आपका सिलेक्शन? जैसे मैं यहाँ पे आई परेड पे हिस्सा लेने के लिए, यहाँ पे काफ़ी सारे टैबलोज चल रहे हैं तो मैं उनमें से एक जो आर्मी वेटरन्स के पूरा लाइफ को डिपिक्ट करता है वो वाले टैबलो में सेलेक्ट हुआ। कैसा लगा सुनकर जब दोनों आदमी एक साथ करता पड़ते हैं हिस्सा लेने? जैसे हम पहले भी इधर एनसीसी रिपब्लिक डे में हिस्सा ले चुके हैं, मैं 2014 में ले चुका था तो वो भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर था। और मैं एक सेकेंड जनरेशन ऑफिसर भी हूँ और ये एक हर एक ऑफिसर का सपना होता है कि अपना रेजिमेंट को लीड करें 26 जनवरी में। तो जब आपको पता लगा कि आप अपने हस्बैंड के साथ जो है कतर पत्थर हिस्सा ले रही हैं? पहले हम दोनों को काफ़ी वी फील वेरी ऑनर्ड कि हम दोनों एक ही साथ में एक ही परेड पे हिस्सा ले रहे हैं। एंड ये जो हमारी सक्सेस है ये शेयर्ड सक्सेस है कि हमारा एनसीसी डेज से हमारा सपना था कि हम दोनों ऑफिसर्स बन के आएंगे और एक साथ कर्तव्य पथ पे हिस्सा लेंगे, तो आज ये सपना सच हो रहा है और ये देखकर हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। इसके लिए ट्रेनिंग भी बहुत ज़बरदस्त किया होगा आप दोनों ने, मिलकर किया है इकट्ठे इकट्ठे किया या अलग अलग हुआ है? नहीं, सबका अलग अलग ट्रेनिंग हुआ है और जैसा हमारा जो ट्रेनिंग है वो हमारे ट्रेनिंग सेंटर में हुआ था और इनका अलग था। अलग हुआ? अलग हा? अलग हुआ। फिर भी जोश पूरा एकदम, प्रैक्टिस आप लोग कैसे करते हो? मेरा ये है टैबलो है, हमारा ड्रिल वगैरह जो है उसके हमारा डेली रूटीन एक सेट है कि हम मॉर्निंग वार्म अप परेड करते हैं, फिर उसके बाद ड्रिल प्रैक्टिस करते हैं, फिर ऑन ग्राउंड इवनिंग प्रैक्टिस भी करते हैं, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से हम प्रैक्टिस करते हैं। आपको उस तरह का, लेकिन फिर भी आपके लिए भी तो प्रैक्टिस करना पड़ता होगा। हमारे लाइक यहाँ पे जितने भी रेजिमेंट्स आए हुए हैं सबका प्रैक्टिस लाइक से सुबह 2 बजे सारे उठते, यहाँ से वेपन ड्रॉ करके ग्राउंड में पहुँचते परेड ग्राउंड में, फिर वहाँ से सुबह दिल्ली की सर्दी में भी पूरा जोश और हाई स्पिरिट रख के सारे रेजिमेंट्स वार्म अप करके खड़े होते हैं परेड 6 बजे जैसे मार्च हो जाएगा। मतलब जितने भी लोग आ रहे हैं इस परेड को देखने के लिए, जो टीवी में देख रहे होंगे या वहाँ पे आके कर्तव्य पथ देखे होंगे, उनको इट विल बी लाइक अ फेस्टिवल टू देयर आई सीइंग। इसके पीछे बहुत बहुत मेहनत लगा है एंड आई एम श्योर कि सबको ये परेड देख के बहुत गर्व और काफ़ी एक्साइटिंग परेड लगेगा। लेकिन थोड़ी जो थकान जो होती है कम हो जाती होगी चूँकि हस्बैंड वाइफ एक साथ आप लोग यहाँ पर हैं? नहीं, हम जैसे अभी इंडियन आर्मी को ही थैंक यू बोलेंगे कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिला है एंड अपने रेजिमेंट को भी थैंक यू बोलेंगे। एंड आर्मी में रहते रहते हम एक रूटीन में आ जाते हैं तो इट इज़ लाइक वन अपॉर्चुनिटी कि हम एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक साथ ड्रिल में आते हैं, ईच अदर सपोर्ट करते हैं इसमें, तो हमें अच्छा लगता है कि इधर एक पार्टिसिपेशन करने में। तो कैसे आप लोग का पेयर बना, कैसे मुलाकात हुई? हम एक्चुअली एनसीसी से जानते थे एक दूसरे को एंड हम दोनों का यही ड्रीम था कि हम आफ्टर कम्प्लीटिंग ग्रेजुएशन हम दोनों फ़ौज में आना चाहते थे, तो हम दोनों ने एक साथ में प्रिपरेशंस किया। पहले जैसे इनका ग्रेजुएशन कम्प्लीट हुआ, ये फ़ौज में एग्ज़ाम्स क्लियर करके, इंटरव्यू क्लियर करके फ़ौज में आ गए, फिर उनके बाद मुझे वो और मोटिवेटिंग फैक्टर बना इनको देख के कि अभी मेरा टाइम है कि मुझे भी फ़ौज ज्वाइन करनी है। तो इनके एक्सपीरियंस को लेकर मैंने भी काफ़ी प्रिपरेशंस देखे, फिर एग्ज़ाम क्लियर करके मैं भी फ़ौज ज्वाइन। तो कहाँ कहाँ के दोनों रहने वाले हैं आप लोग? मैं वेलिंगटन तमिलनाडु का रहने वाला हूँ। अच्छा। और मेरे वाइफ हैं मैसूर कर्नाटका से। अच्छा।
तो शादी क्या ऐसी कोई घर वाले कैसे आप लोगों ने तय कर लिया कैसे कुछ बताएं? जैसे कि हमेशा था कि हम जो भी प्रोफेशन होगा हैविंग अ सपोर्टिव पार्टनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फौज में रहते रहते ये और काफ़ी क्रूशियल हो जाता है. तो हमेशा हम एक दूसरे को ताकि हम फौजी बनेंगे तो हमारे पार्टनर्स शुड ऑल्सो बी इन फौज, तभी हम एक दूसरे को मोटिवेट करके एक सपोर्टिव रोल निभा सके, हम खुश रह सकते हैं. तो ये हमेशा ताकि हम दोनों फौजी बनेंगे और शादी करेंगे. लेकिन कैसे आप लोग जो है शादी जो हुई, जरा शादी के बारे में बताएं, जरा कुछ अगर बता सके दर्शकों को. शादी हमारा पेरेंट्स वगैरह ने ही तय किया था. तो हमारा शादी पिछले साल हुआ था, 2023 जून में हुआ था एंड मैसूर में हुआ था हमारा शादी एंड सब बढ़िया गया था हमारा वेडिंग के हिसाब से. कि वी बोथ द फैमिलीज हम मिले थे और हमने बताया कि ऐसा भी डिसाइडेड कि हम दोनों एक दूसरे के लिए फौज में रहते रहते कि एक दूसरे के लिए अच्छे सपोर्ट रहेंगे. फिर हमने पेरेंट्स दोनों फैमिलीज ने मान लिया एंड देन कि उनके हाँ कहने पे हमने शादी की. मद्रास रेजिमेंट एक अलग है, आर्मी या डिफेंस अलग है, कैसे गृहस्थी चल रही है? जैसा इंडियन आर्मी यूनिटी से जाना जाता है तो हम रेजिमेंट्स अलग अलग इसमें नहीं हो पाता क्योंकि इट इज़ यूनिटी. जैसे सब रेजिमेंट्स एक जैसे होते हैं, हमारे टास्क अलग अलग होते हैं. तो इसमें हम प्रोफेशन पहले देखते हैं, उसके बाद देन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस्ड हो जाता है इंडियन आर्मी की. कैसे गृहस्थी कैसे चल पाती है? आप कहीं शायद आप ये कहीं और होंगे, आप शायद कहीं और होंगे. वो तो हमें पहले से ही पता था कि अलग अलग होंगे, बट देन जस्ट द फैक्ट दैट हम दोनों फौजी हैं और हम दोनों एक ही यूनिफॉर्म पहनते हैं, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है. कि डिस्टेंस वगैरह हमने साइड रख के हमारा जो लाइफ का एक एम्बिशन था कि हम फौजी बनेंगे, वो इटसेल्फ कीप्स अस गोइंग. देश के लिए कुछ करना है, सेना के लिए? बिल्कुल. जैसा बचपन से ही मेरा इंटरेस्ट था और पैशन था कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूं एंड सब जैसे मैंने बचपन से आर्मी लाइफ भी देखा है तो ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर था मेरे लिए भी. एनसीसी में भी मैंने किया है एंड ये कारण है. तो अपना पैशन पूरा हो गया और मैं ऑफिसर बन गया था एंड हमें देख के और यंग एनसीसी कैडेट्स मोटिवेट होंगे एंड जो टू द पब्लिक ऑल्सो कि अच्छा से मतलब पढ़ाई कीजिए, हार्डवर्क कीजिए और इंडियन आर्मी इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन एंड यू कैन गिव योर बेस्ट एंड प्लीज़ सबको एक मोटिवेटिंग फैक्टर होना चाहिए कि टू सर्व द नेशन. मैं सर और आप मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि मेरा हस्बैंड ने बोला कि इंडियन आर्मी एक्चुअली ऑफर्स वन ऑफ द बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल द यंगस्टर्स हु आर प्रिपेयरिंग एंड हु आर एस्पायरिंग टू जॉइन आर्म फोर्सेज, इनिशियली यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड वंस यू गेट थ्रू द लाइफ इन आर्मी द सो मच रेस्पेक्ट, द सो मच प्राइड एंड एवरी डे वी फील सो प्राउड दैट वी आर सर्विंग फॉर आर कंट्री. एंड ऑल्सो माई मैसेज टू ऑल दी वुमेन आउट देयर इज फौज में एंड टू सर्व द नेशन देर इज़ नो जेंडर, जेंडर का कोई बात ही नहीं आता. जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए जेंडर शुड बी नो बैरियर. यू शुड ब्रेक योर बैरियर्स एंड कम फॉरवर्ड एंड गिव योर बेस्ट. मतलब अब लड़कियाँ महिलाएँ पीछे नहीं हैं? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं है. देर आर सो मेनी फील्ड्स जो देख रहे हो, नॉट जस्ट फॉर्ज, इवन अदरवाइज आउटसाइड ऑल्सो देर सो मेनी फील्ड्स वेयर वुमेन आर डूइंग वे टू वेल. तो ऐसा कोई वो नहीं है कि फौज में वुमेन नहीं आ सकते, बहुत सारे हैं. एंड अभी तो अग्निवीर का इंडक्शन भी स्टार्ट हो गया तो हम हर जगह वुमेन को देख रहे हैं. और इस साल का रिपब्लिक डे का थीम ही वुमेन एम्पावरमेंट है. तो हम देर आर सो मेनी मार्चिंग कंटिजेंट्स जहाँ पे आप देख रहे हो वुमेन जो सेम शेड्यूल जो मेल कंटिजेंट्स फॉलो कर रहे हैं वो भी सेम शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड बहुत अच्छे प्रैक्टिस करके वो भी अपने बेस्ट शो दे रहे हैं. अंतिम सवाल की 24 घंटे के लिए कैसा जूस है तैयारी का? मोरल एंड मोटिवेशन हमारे रेजिमेंट का ऑल टाइम हाई रहता है एंड ये हमें एक अपॉर्चुनिटी मिला है 4 साल के बाद वापस हमें शोकेस और शो दिखाने का, एक बढ़िया डेमो टू द पब्लिक एंड नेशनल मीडिया पर कि हमारे रेजिमेंट भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेजिमेंट है एंड
इस साल हमें वापस गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है कि इस ड्रिल एंड एक बढ़िया शो पुट अप करेंगे, और मेरे जवान और मेरे जो कंटीजन के टीम है जेसीओ साहिबान, तो उन सभी ने बहुत हार्ड वर्क किया है एंड आई एम श्योर कि सबसे बेस्ट शो हम ही पुट अप करेंगे। सारे कंटीजेंट्स ने काफ़ी मेहनत किया है दिल्ली आने से पहले, 3-4 महीने पहले अपने अपने सेंटर से काफ़ी कुछ प्रैक्टिस वगैरह करके आए हैं, तो अभी ये फाइनल एक दिन बचा है फाइनल शो, तो जो जो ऑन ग्राउंड उन्होंने मेहनत किया है तो 26 जनवरी को वो सब दिखेगा एंड जब पूरी देश और बाहर से भी लोग देखेंगे, आई एम वेरी श्योर दैट एवरीबॉडी विल फील प्राउड ऑफ द आर्म फोर्सेस एंड जो मेहनत किया है वो सब ऑन ग्राउंड देखने को मिलेगा। तो मतलब पूरा जोश हाई एकदम, बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि जोश पूरा हाई है, गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर ये सब कुछ दिखेगा। नई दिल्ली में कैमरामैन मनोज ठाकुर के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।